नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यूं तो पूरे देश और प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान का ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन जब कहानी की पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही सामने आया। जिसने देश का संविधान लिखा उसका ही नगर परिषद राहगर द्वारा घोर अपमान किया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जहाँ पूरा देश और प्रदेश और राहतगढ़ नगर खुशी की लहर में डूबा हुआ था, उसी मौके पर वार्ड क्रमांक 15 की पूर्व पार्षद नंद किशोर भारती एवं समस्त लोग राहतगढ़ बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे, तो वहां मूर्ति के चबूतरे पर काफ़ी गंदगी पाई गई। वार्ड क्रमांक 15 के पूर्व सांसद नंद किशोर भारती व समस्त लोगों ने नगर पालिका मुख्य अधिकारी CMO RC अहिरवार से संपर्क किया। उसके एक डेढ़ घंटा बाद सफाई कराई गई। उसके भार साधक अधिकारी SDM श्री अखिलेश जैन से साफ सफाई को लेकर समस्त लोगों ने चर्चा की। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में चर्चा की गई। श्री SDM अखिलेश जी साहब ने कहा, आपको एक दो दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी थी, मतलब शासन प्रशासन की कोई जाप मतलब शासन प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं है। नंद किशोर भारती, समस्त लोगों की जवाबदारी है। वह राहतगढ़ नगर प्रशासन की बड़ी लापरवाही। सागर जिले के राहतगढ़ में शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय राहतगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम झंडा ध्वजारोहण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की छाया प्रति नहीं रखी गई। जब नंद किशोर भारती एवं समस्त लोगों ने SDM साहब से छाया प्रति के बारे में बात की तो SDM साहब ने कहा, जो कार्य किया गया है वह सब शासन अनुसार निर्देश अनुसार किया गया है। तो वार्ड क्रमांक 15 पूर्व पार्षद नंद किशोर भारती ने कहा कि क्या शासन प्रशासन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की छाया प्रति रखने के लिए मना किया है। राहतगढ़ नगर के साधक SDM श्री अखिलेश जैन जी ने कहा, शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार कार्य किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर के राहतगढ़ से हमारे रिपोर्टर सरमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार। दिवस के मौके पर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की सफाई नहीं की गई, उसके बारे में आपने SDM साहब से शिकायत की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप? SDM साहब से हमने फोन पर बात की जी। हमने, श्रीमान महोदय, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा बस स्टैंड पर धरी है, जहाँ पर इतनी गंदगी है, गोबर डला है, जानवरों का बहुत गंदगी डली है, इसकी हमने सफाई की कि साहब यहाँ पर सफाई क्यों नहीं हुई। तो SDM साहब कहने लगे, आपको दो दिन पहले अवगत कराना था। अब रात हम साफ सफाई करा देंगे, लेकिन पहले आपको जानकारी देनी चाहिए। हम शासन से कहना चाहते हैं कि हम ही लोग अवगत कराएँ, क्या शासन में कर्मचारी नहीं बैठे, क्या अंबेडकर साहब जी के विचारों वाले नहीं बैठे। मैं उन कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने संविधान लिखा है देश का, और आज ही के दिन गणतंत्र के दिवस बाबा साहब के संविधान के अनुसार गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब के चबूतरा पर इतनी गंदगी, इतनी धूल जमी, इतनी कि प्रशासन को कोई चिंता नहीं। नगर में बैठे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हों चाहे कोई भी अधिकारी हों, उनको कोई चिंता नहीं कि हम साफ सफाई कराएं। छोटे छोटे कर्मचारियों को दबाया जाता है, वहीं काम नहीं करते, उनके ऊपर दबाया डाला जाता है। और आज हमारे वार्ड 15 में रविदास मंदिर का निर्माण चल रहा है, हमने कहा पानी टैंकर चाहिए, कहले पानी टैंकर नहीं जाएगा। CMO साहब का आदेश है कि पानी टैंकर 15 वार्ड में नहीं जाएगा। और आज हम लोग हाई स्कूल में आए, जहाँ पर देखा अंबेडकर साहब की 26 जनवरी के दिन मेन मंच पर छाया प्रति नहीं धरी, जो आज के दिन एक बहुत बड़ा हमारे बाबा साहब का अपमान है, जिनने संविधान लगाया देश का, जो संविधान के अनुसार आज देश चल रहा है, बाबा साहब का छाया प्रति नहीं धरे। ये तो दलितों का, इस देश के संविधान का अपमान है। मैं प्रशासन कहना चाहता हूँ, आगे यह गलती ना हो, अगर यह गलती हुई तो दलित अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लोग सड़कों पर आएंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। हमारा निवेदन है सभी से, अब बाबा साहब को ना भूलें, बाबा साहब ही इस देश के
संविधान लिखा है, जो इस देश चल रहा है, जो सारी योजनाएं संविधान के अनुसार, सारा कानून, सारी व्यवस्था बाबा साहब के अनुसार चल रही है। समस्या जी है, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान द्वारा जो 1950 में लागू हुआ है उसी के अनुसार 26 जनवरी मनाई जाती है। आज यहाँ पर गंदगी देखिए, नगरीय प्रशासन कितनी लापरवाही बरत रहा है कि बाबा साहब जिनने संविधान लगाए देश का, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। गंदगी देखिए चारों तरफ, वहाँ झाड़ू नहीं लगती, कोई सफाई करने नहीं है। हमने खुद है यहाँ पर सफाई की, चबूतरे की, पीछे साइड की, ये कर्मचारी यहाँ आते हैं, इतने लापरवाह हैं। जब बाबा साहब की सफाई नहीं हो रही, जिसने इस देश का संविधान लिखा है, जिसने देश का निर्माण किया है, जिसने देश को सब कुछ दिया, आज उनकी मूर्ति के यहाँ सफाई नहीं हो रही। किसकी लापरवाही मानते हैं? किसकी लापरवाही मानते हैं? जी नगरी प्रशासन की लापरवाही है, जो नगरी प्रशासन कर्मचारी उनकी लापरवाही है, उनको करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। हर जगह की सफाई होती है, चौराहे की, यहाँ संविधान का चबूतरा है, अम्बेडकर साहब का चबूतरा है बाबा साहब, वहाँ सफाई नहीं कर रहे तो काय की साफ सफाई हो रही है। आज 26 जनवरी आप देखिए, पूरी जनता देख रही कितनी गंदगी है, जब बाबा साहब। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।